दो तीन साल किया होगा तीन sure. साल हाँ, और उसके बाद यू लेफ्ट. हाँ हाँ बिकॉज मैंने बताया ना फैमिली भी इस तरह की थी कि ज़्यादा नहीं छोड़ते हो कि चलो अब अगले 20 साल तक तुम पैसे कमाती रहोगी इस इंडस्ट्री में रहोगी, ऐसा नहीं था. वो एक सर्टन 20s वाली एज आती है जब प्रेशर आ जाता है, फलां का कॉल आ गया, वो कह रहे हैं शादी करा दो अब एंड ऑल दैट. लेकिन जब आपने सोचा कि मैं छोड़ी हूँ तो तब ये सोचा था मैं टेम्प्रेरी ब्रेक ले रही हूँ या आपने कहा था बस सब खत्म? माइंडसेट वही वाला था कि अगर तो इजाज़त मिली इन लॉज से या हस्बैंड से तो वापस आ जाएंगे okay. और नहीं मिली तो नहीं आएंगे. फैमिली okay. अच्छी थी हाँ. ऐसा नहीं था कि संभाल नहीं सकते एंड ऑल दैट. तो कोई ना कोई मुझे ये था कि सेक्रीफाइस कर रही हूँ बहुत बड़ा पर वो भी जरूरी है जिसके लिए कर रही हूँ. एंड यू वर हैप्पी डूइंग इट. मुझे लगता है एक माँ के डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता. नहीं, 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 ये तो और आपका आपकी नीयत अच्छी थी. यू डिड व्हाट यू थॉट. बहुत अच्छे थे. मुझे कोई अपने उस मैरिज से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं गलत थी या कुछ था. इट वाज अ वेरी सेंसिबल मैन और बहुत अच्छा टाइम मेरा निकल रहा था घर पे भी, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं. और मुझे पता था कि इफ आई आस्क हिम ही विल अलाउ मी टू कम बैक. ओके पर टाइम नहीं मिला बच्चे के साथ, बिल्कुल नहीं. एंड यू हैव अ बेबी सन माशाल्लाह. ओके हां अभी तो जवान हो गया माशाल्लाह. क्या नाम है उनका? रयान. रयान इट्स अ वेरी लवली नेम. फिर आप यू वेंट थ्रू अ डिवोर्स आफ्टर दैट? यस आई डिड. ओके आई डिड. तो उस वक्त भी आपने नहीं सोचा कि मैं वापस स्टार्ट करूं? अच्छा फिर वही बात है कि जब आप इतने सैक्रिफाइसेस करके जाते हैं और फिर आपको ये टेंशन हो जाती है कि अब आप लोगों से क्या कहेंगे कि इतने टाइम बाद सालों बाद, नॉट 6 months, नॉट अ ईयर, 6 years के बाद क्यों हुआ ये. ओके तो मुझे वो था कि यार जिसके लिए मैंने इंडस्ट्री सेक्रीफाइस कर दिया, जिसके लिए मैंने काम छोड़ दिया, जिसके लिए सब आगे पीछे हो गया, अब ये शादी ही ख़त्म हो गई. सो वो करेज नहीं था आने का वापस. और सम वॉट डिप्रेशन एज आई टोल्ड यू. मुझे ऐसा लगा कि एक के बाद एक चीज़ लाइफ में हो रही है तो मैं वो करेज नहीं ला पाऊँगी जहाँ मैं किसी को जवाब दे सकूँ कि बहुत ऑलरेडी हो रहा था फैमिली में. ओके क्या हुआ? डिवोर्स हो गया, बच्चे के बाद हो गया, उसने बच्चा छोड़ दिया, उसने ये छोड़ दिया, बच्चा किसके पास रहेगा? देन कस्टडी थिंग हैपेंड आफ्टर अ वाइल, उसने और तोड़ा. तो मुझे ऐसा लगता है कि समवट डिवोर्स भी रीज़न नहीं बना. डिवोर्स के बाद का जो सारा प्रोसेस होता है औरत की ज़िंदगी में, वो सवाल वो जवाब, अब बच्चे का क्या होगा, अब एक्सपेंसेस कौन देखेगा, वापस काम के लिए कब खड़े होंगे एंड ऑल दैट, कैसे होगा सब कुछ. तो वो डिप्रेशन आपको उसमें पकड़ लेता है और जहाँ उठने के बजाय और नीचे चले जाते.